आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वह साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। चार दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। ओलंपिक श्रेणी का यात्री लाइनर टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन के हस्तगत में था और उसका निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड के हॉलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में किया गया था। वह 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। ये तथ्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौक थी। पुरुषों की मृत्यु की असंगत संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को पहले प्रधानता देना था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस स्मे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और राडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान, एक अनुमान के मुताबिक ये चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी, से जा टकराया, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग रात के 11:40 पर वो डूबने लगा। तकरीबन रात के 2:20 पर वो पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान -2 था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। ये कई लोगों के लिए एक बड़ा आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया था। आवेश में आई हुई मीडिया की ओर से टाइटैनिक के प्रसिद्ध आरोपी, जहाज के डूबने का उपाख्यान, समुद्री कानूनों का भंग और जहाज के मलबे की खोज ने लोगों की टाइटैनिक में रुचि जगाने में काफी योगदान दिया। टाइटैनिक का निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड के हॉलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में किया गया था और प्रतिद्वंदी क्यूनार्ड लाइन के लुसिटेनियर और मॉरिटानिया के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइनरों में लॉर्ड पिरी, जो हॉलैंड और वुल्फ और व्हाइट स्टार के संचालक थे, नौसेना आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज, जो हॉलैंड और वुल्फ के निर्माण प्रबंधक और डिजाइन विभाग के प्रमुख थे, और अलेक्जेंडर कार्लाइल शिपयार्ड के प्रमुख रचयिता एवं जनरल मैनेजर शामिल थे। अलेक्जेंडर कार्लाइल की जिम्मेदारियों में साज सजावट, उपकरण और सभी सामान्य व्यवस्था, जीवन रक्षक नौक को लटकाने के यंत्र की डिजाइन जैसे कार्यों का समावेश होता था। वह जहाज पर नौक लटकाने का यंत्र बनाने वाली कंपनी वेलन डेविट और इंजीनियरिंग को लिमिटेड के शेयरधारक बन गए थे। आरएमएस टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को अमेरिकन जेपी मॉर्गन और इंटरनेशनल मर्केंटाइल मरीन को की लागत से शुरू हुआ। टाइटैनिक की पतवार का 31 मई 1911 को जलावतरण किया गया और उसके अगले वर्ष की यात्रा की तैयारी की जाने लगी। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच 269.1 मीटर, ढलने की चौड़ाई 92 फीट 28.0 मीटर, भार 46,328 टन GRT और पानी के स्तर से डेक तक की ऊंचाई 59 फीट 18 मीटर थी। जहाज दो पारस्परिक जुड़े हुए 4 सिलेंडर ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजन और एक कम दबाव पासन्स टर्बाइन, जो प्रोपेलर को घुमाते थे, से सुसज्जित था। टाइटैनिक में 29 बॉयलर थे, जो 159 कोयला संचालित भट्टियों से जुड़े हुए थे, और जहाज को 23 समुद्री मील 43 किलोमीटर प्रति घंटा 26 मील प्रति घंटा की शीर्ष गति प्रदान करते थे। 62 फीट 19 मीटर की ऊंचाई की 4 में से केवल 3 फनल कार्यात्मक थी। चौथी फनल, जो वेंटिलेशन के प्रयोजन हेतु इस्तेमाल की जाती थी, वह जहाज को अधिक प्रभावशाली रूप देने के लिए लगाई गई थी। जहाज की कुल क्षमता यात्रियों और चालक दल के साथ 3